फिल्टर पेपर चाहिए, सीवी चाहिए, कोबाल्ट क्लोराइड चाहिए और डीसी वाटर चाहिए, कवर स्लिप। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो, वालेकुम सलाम सर। बेटा आप सबको रमजान की बरकतें मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको रमजान की कदर करने की और रमजान से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आपने मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है, ठीक है? जी सर। सर हमने आपसे बात करनी थी सर, आपने जो टाइमिंग्स रखे हुए ना वो उसमें वाली क्लासेस हैं, जैसे आपने 1:30 का रखा हुआ है तो 12 से लेके 1 बजे तक हमारी ये क्लास है, और दूसरे जो हमारे साथ दूसरे बार है उनके मैथ्स का सेक्शन अलग है तो 1 बजे से लेके 2 बजे तक उनकी क्लास है, तो आप टाइम इसका चेंज कर सकते हैं? आप पहले मुझे ये बताइए कि लैब की टाइमिंग कितनी है। सर लैब की टाइमिंग तो रमजान के मुताबिक 11 बजे जो क्लास होती है वो 10 बजे होनी थी, तो आपने तो 11 बजे ही रखी है। नहीं, पहले की उन्होंने फिर वो दोबारा उन्होंने वापस कर लिया, क्लैश आ रहा था, तो ये तो हमने फिर डिसाइडेड किया हुआ है। तो मैंने कल इतनी मुश्किल से बनाया क्विज, बड़ा आसान सा, तो अभी आप कह रहे हैं कि आप वो उसमें अपीयर नहीं हो सकते, तो डेट्स नॉट पॉसिबल। बाकी आप लोग देख लें, अगर आप वो नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो आपका अनअटेम्प्टेड शुरू हो जाएगा, 0 मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। वो 15-15 मिनट का है, ज्यादा इतना लंबा नहीं है। आपकी लैब की टाइमिंग है 11 से 1:30 बजे तक, ठीक है? मैंने फिर अपने अकॉर्डिंग रखना था, ये बात आपके पहले मुझे बता देते। अब सर हमारा 5 बजे इसका बैंड यूनिवर्सिटी का सर थ्योरी का था लेक्चर, वो अब सर 2 बजे होगा। एक सेकंड वेट करें, मैं ट्राई करता हूँ, अगर उसका टाइम एडिट होता है तो मैं फिर अभी आपको फैसिलिटेट कर देता हूँ, वरना आपको वो अभी इस टाइम में देना पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूँ, इंशाल्लाह मैं उसको खोल के सर हो जाता है चेंज, मैं देखता हूँ, अगर होता हुआ तो मैं जरूर करूँगा। जैसे भी पास हुआ आप लोगों को फैसिलिटेट लाजमी करना है, यू आर फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। अच्छा जी, बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ये आपका आ गया सेशन नंबर 2, इसमें ये आपका क्विज नंबर 1। प्रीव्यू क्विज
Your attempt with ये ज़्यादा ही नहीं पूरा हुआ बेटा, ये अभी सेट होगा तो ये एडिट नहीं हो रहा, इट्स नॉट एडिटेबल। ये आपको अटेम्प्ट करने पड़ेगा आपके, जैसे भी हो सके, चाहे आप इधर से बंद कर लें या फिर ये छोड़ दें, आपके हैंड में। ये अटेम्प्ट, ये एडिट नहीं हो रहा। मैंने क्योंकि मैं अपना मेल दिखा देता हूँ, ये पहले मेल आई थी, ये आई थी 2 डेज अगो, आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर, हो रही है। हाँ, ये ना प्रीवियस मेल है, यस सर, 2 दिन पहले की, और ये नीचे कल आई है, ठीक है, तो पुरानी टाइम है। ये भी देखिए आपके सेकंड स्लॉट में आ रही है, 11 से 1:30 बजे तक। सर, इन्होंने तो आपको टाइम फिर सही बताया नहीं, क्योंकि 12 बजे हमारी एक और क्लास है, तो वो हम वो भी नहीं छोड़ सकते और लैब भी नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करें? यस सर, आपको 12 बजे जो कैलकुलस की होनी थी ना, वो 1 बजे में शिफ्ट हो गई। 12:30 बजे है और एक आपका 1 बजे स्टार्ट हो गया। ये आप देख रहे हैं आपने क्या करना है, आप क्या ठीक है, हम क्विज तो करेंगे ही, और आप हमारी अटेंडेंस पहले मार्क कर दीजिएगा, हम ये कर सकते हैं। अटेंडेंस बंद कर दो, अच्छा चलिए यार, काम पहले स्टार्ट करते हैं। इधर सामने आवाज बराबर आ रही है आपको? अच्छा, आपका जो आज का टॉपिक है दैट इज अबाउट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक, आपको ये विजिबल है? यस सर, विजिबल है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, हम एक्चुअली क्या स्टडी कर रहे हैं अभी, हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में अभी तक हमने क्या का डिस्कस किया है, हमने ऑस्मोसिस देखी है, हमने इम्पाइपेशन देखी है, हमने फोटोसिंथेसिस देखी है,
और देन हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा है। ये अभी तक हम 4 प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन दैट इज आल्सो अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। तो ट्रांसपिरेशन एक्चुअली क्या होती है? ट्रांसपिरेशन आप लोग कहते हैं कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, के वाटर के मॉलिक्यूल्स का क्या करना, इवेपोरेट हो जाना। कहाँ से? आप लोग कहते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ लीव्स, के लीव्स की सरफेस से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेपर की फॉर्म में क्या कर जाना, इवेपोरेट हो जाना, उसको आप क्या कहते हैं, उसे आप लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये ट्रांसपिरेशन किन के थ्रू होती है? दिस ट्रांसपिरेशन एक्चुअली अकर बाय टू वेज। एक आपके पास फॉइलर फॉइलर वे होता है और सेकंड आपके पास लेंटिक्यूलर वे होता है। सर बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो उनको अलाउ करने के लिए स्टूडेंट को। मैंने मीटिंग में रेटिंग दिस लेवल क्लियर हो रहा है स्टूडेंट के लिए। कोई भी रेटिंग रूम में नहीं है चाहिए। अब आपको इन्वर्टेड तो नहीं नजर आ रहा है? भाई ये सीधा नजर आ रहा है आपको? जी सर। ऐसा सर व्हाइट बोर्ड सही नजर आ रहा है। मैं पूछता हूँ ये जो लिखा है ये आपको उल्टा तो नहीं नजर आ रहा, इन्वर्टेड कि सीधा आ रहा है? नो सर, सर सीधा ही आ रहा है। सीधा नजर आ रहा है, सर सीधा ही आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो आपके पास जो ट्रांसपिरेशन होती है ये टू वे से होती है। टू वे से कैसे होती है कि आपके पास एक फॉइलर वे होता है और एक आपके पास लेंटिसल वे होता है। फॉइलर वे में अगेन आपके पास टू वे आ जाते हैं, एक आपके पास स्टोमेटल वे होता है और सेकंड आपके पास यूटिक्यूलर वे होता है। कि आपके पास जो लीव होते हैं प्लांट लीव, इफ आई आपका लीव है, अगर मैं इसकी ये इसकी अगर देखू आइसोबाइलेटरल लेयर, अगर इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो मैं आपके सामने ड्रॉ करूं तो क्या होता है, इसके पास एक अपर एपिडर्मिस होती है और ये लोअर एपिडर्मिस होती है और दरमियान में क्या लगे होते हैं आपके मेसोफिल सेल्स होते हैं, कुछ इसमें स्पॉन्जी मेसोफिल होते हैं, कुछ इसके अंदर पैलिसेड मेसोफिल होते हैं और यहाँ दरमियान में क्या होती है आपकी स्टील होती है और ये जो इसकी लोअर एपिडर्मस है इधर क्या लगे होते हैं आपके पास योर गॉड सेल्स आर प्रेजेंट। दीज गॉड सेल्स आर एक्चुअली व्हाट दे आर पैसेज बाय फॉर वाटर वेपर एंड फॉर योर गैसेस एक्सचेंज। कि ये वाले जो आपके पास मेसोफिल सेल्स है एक्चुअली दे आर स्पेसिफिक फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये जो आपके पास गॉड सेल्स है इनके दरमियान क्या है, पोर है। इस पोर को आप क्या कहते हैं, यू पीपल कॉल्ड इट एज स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्या करता है, एक तो आपके पास गैशियस एक्सचेंज करवाता है कि आपकी आपके सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जानी है या जो ऑक्सीजन इसमें से एक्सपेल आउट होनी है वो किसके थ्रू होनी है, स्टोमेटा के थ्रू होनी है। और सेकंड थिंग क्या होता है कि इसके अंदर जो वाटर वेपर जो है जो इसकी सरफेस से क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, वो किधर से होने हैं, बाय थ्रू स्टोमेटा के होने हैं। तो आपके पास जितनी भी लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपके पास अगर 100% क्या हो रही है ट्रांसपिरेशन हो रही है, तो उस 100% का जो आपके पास 70 से 90% है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होती है ट्रांसपिरेशन।
देन आ जाते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। आपके पास जो लीव होते हैं इनके सरफेस के ऊपर क्या होती है, क्यूटिकल होती है, ये भी एक लेयर होती है। तो यहाँ एंड दिस इज प्रेजेंट, और इसके भी थ्रू क्या होती है, इसके थ्रू भी आपके पास ट्रांसपायरेशन होती है। ये कब होती है, ये नाइट टाइम के वक्त होती है, और ये जो आपका स्टोमेटल है ये ओनली अकरिंग एट डे टाइम, ये नाइट टाइम और डे टाइम दोनों में अकर होती है। और इसकी जो आपके पास कंसंट्रेशन है या जो परसेंटेज है टोटल ट्रांसपायरेशन का, दैट इज अबाउट 5 से 10%। और देन कौन सी आ जाती है आपके पास, कौन सा वे आ जाता है ट्रांसपायरेशन का, लेंटिक्यूलर वे। अगर आप देखें आपके पास कोई बार होती है या ये आपके पास कोई स्टेम है, तो इसके ऊपर ऐसे व्हाइट से कुछ आपके पास कलर लगे होते हैं। दीज व्हाइट कलर अब एक्चुअली क्या है, ये डिप्रेशन होती है। डिप्रेशन क्या होती है कि ये नीचे से कॉर्क के साथ अटैच होती है, और कॉर्क के अंदर से क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस लेंटी सेल के थ्रू दीज आर एक्चुअली डिप्रेशन, और इस डिप्रेशन को आप क्या कहते हैं, यू पीपल कॉल इट एज लेंटी सेल्स, ठीक है। और इन लेंटी सेल्स के थ्रू क्या होती है, ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये वाटर के मॉलिक्यूल इधर से इवेपोरेट होते रहते हैं, और इसको आप क्या कहते हैं, लेंटिक्यूलर वे या लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। ये एक्चुअली 0.1 से 2% तक जो आपकी ट्रांसपायरेशन है टोटल का, वो इसके थ्रू होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपके जो ये लीव है, लीव के अंदर ये वाटर आया कहाँ से है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है, हम कहते हैं जो प्लांट के अंदर वाटर आता है, दैट केम फ्रॉम सॉइल। कि आपकी सॉइल के अंदर क्या है, ह्यूज रिसोर्स ऑफ वाटर है, तो उधर से आपके जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके देन क्या करते हैं, अपने सरफेस से उनको क्या कर रहे होते हैं, इवेपोरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, वो एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, वो एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ये आपकी जो रूट हेयर है, रूट हेयर, दैट्स व्हाट दिस इज योर रूट, मेन रूट है, और इससे आगे सब ब्रांचेस हो रही है, देन आगे जो एंड पे आता है वो क्या होती है, आपकी रूट हेयर होती है, दैट्स व्हाट दिस इज योर रूट हेयर। तो रूट हेयर में क्या होता है कि रूट हेयर का जो अगर सेलुलर हम एनवायरमेंट की डिस्कस करें, तो इसका जो इंटरनल जो इसके अंदर वैक्यूल है, वैक्यूम एक्चुअली ये फ्रीड अप होता है बाय सैप से। इस सैप में क्या क्या होता है, इस सैप के अंदर आपके पास ऑर्गेनिक मटीरियल होता है, और कुछ इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, और देन इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मटीरियल होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपकी रूट हेयर का सेल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, कि इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है सेल का, वो क्या है एक्चुअली, वो हाइपरटोनिक है। If it is hypertonic, then what would possible action would occur? क्या होगा कि आपकी ये जो surrounding वाला environment है, कौन सा, soil का, ये soil है, और soil के अंदर भी क्या है, water ऐसे मौजूद है, लेकिन soil के अंदर भी क्या होते हैं, minerals हैं, salt हैं, बाकी चीजें हैं, लेकिन उनके मुकाबले में क्या है कि ये जो root air है, इसने अपना internal environment इतना hypertonic किया हुआ है कि ये जो वाला water है आपका सॉइल वाटर, इसके लिए मजबूरी बन जाती है कि ये वाले जो रूट हेयर के सेल हैं, इनके अंदर जो वाटर की डेफिशिएंसी है, वो इनको क्या करें, बुरा करें। तो देन क्या होता है कि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और बाय इम्बाइबिशन, ये क्या करते हैं, ये आपके रूट हेयर के अंदर क्या करते हैं, एंटर हो जाते हैं। जब ये रूट हेयर के अंदर एंटर होते हैं, तो रूट हेयर के सेंटर में क्या होती है, आपकी स्टील होती है। स्टील एक्चुअली क्या है, ये आपके पास स्टील है, स्टील एक्चुअली इज आर वेस्कुलर बंडल्स, जो आपके पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम,
जाइलम और फ्लोएम को कंबाइंड क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं, और ये क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होते हैं, मोनोकॉर्ड के अंदर डिफरेंट होती है, डाइकॉर्ड के अंदर डिफरेंट होती है। ये जो मैंने ड्रॉ किया ये एक्चुअली डाइकॉर्ड, तो ये सेंटर में क्या आपके पास फ्लोएम है, और ये जो आउटर साइड है ये जो ब्लैक है ये आपके पास जाइलम है, जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू एक्चुअली किसके लिए स्पेसिफिक है, जाइलम टिश्यू आपके पास क्या करता है, ये आपके पास जो वाटर है, वाटर प्लस सॉल्ट्स, ये इनको क्या करता है, ये कैरी करता है, ठीक है, ये दिस इज स्पेसिफिक फॉर वाटर अपटेक एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। जो आपके पास फ्लोइम है, फ्लोइम इज स्पेसिफिक फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये फूड की जो आपके पास क्या होनी है, लेट्स सपोज ये आपके पास लीव है, यहाँ पर फूड बन रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो फूड बन के किधर आएगी, फ्लोएम के पास आएगी, फ्लोएम आगे किधर लेकर जाएगा, जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, लेट्स सपोज ये एक ही फर्स्ट टाइम है, एक जगह पे क्या हो रहा है, एक नया लीव बन रहा है उसको भी फूड चाहिए, एक आपके पास जो फ्रूट है वो डिवेलप हो रहा है उसको भी ग्रोथ ग्रोथ के क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, वो नरिशमेंट कहाँ से आती है, वो आपके पास बाई फोटोसिंथेसिस आती है, और वो कौन कर रहा होता है, किसके थ्रू आ रही होती है, वो आपके पास फ्लोएम के थ्रू आ रही होती है। अच्छा, तो जब रूट हेयर ने क्या कर दिया कि इसको वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया, तो ये वाला वाटर टैंक क्या करेगा, रूट हेयर के सेल्स के अंदर आ जाएगा, और देन तो से क्या स्टार्ट हो रहा है, आपके पास जाइलम स्टार्ट हो रहा है, नीचे से नजर नहीं आ रहा, नीचे से बोर्ड नजर नहीं आ रहा, यस सर अब आ रहे। तो ये आपकी सॉइल है, सॉइल से वाटर क्या कर रहे हैं, आपके जो रूट हेयर के सेल्स है उनके अंदर एंटर हो रहा है, और यहाँ से एंटर होते ही वो क्या करता है कि वो जाइलम के अंदर आ जाता है, और जाइलम यहाँ पर आके किस में एंड हो रहा है, यहाँ पर आके आपके जो लीव है उनके अंदर एंड हो रहा है, और देन यहाँ से निकल के मेसोफिल सेल में आता है, और मेसोफिल सेल से इन एयर स्पेसिस के अंदर आ जाता है, और देन इन एयर स्पेसिस से क्या करता है वो बाय स्टोमेटा क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो इसके लिए जो एक थ्योरी है कि आपका वाटर कैसे प्लांट बॉडी के अंदर मूव करता है, तो उसमें आपके पास कौन सी थ्योरी आ जाती है, कोई इंटेंशन थ्योरी, टेंशन थ्योरी एक्चुअली क्या बताती है कि ये एक्चुअली ये बताती है कि जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक कॉलम के अंदर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और उसी कॉलम में क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ एडहेयर भी होते हैं और आपस में क्या करते हैं, कोहेयर भी होते हैं। अच्छा, एडहेयर और कोहेयर क्या होते हैं एक्चुअली, एडहेयर का मतलब है, लेट्स सपोज दिस इज योर जाइलम वेसल, आपके पास जाइलम वेसल है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये अगर मैं इनका ऐसे ड्रॉ करूं, अच्छा ये वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इन्होंने एक्चुअली क्या किया होता है कि ये एक तो एडहेशन होती है और एक कोहेशन होती है। एडहेशन का मतलब है कि इन वाटर ये वाले वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जाइलम की वॉल के साथ अटैच होते हैं। अगर ये जाइलम की वॉल के साथ अटैच होंगे तो इसको आप क्या कहेंगे, एडहेशन, और सेकेंडरी क्या होती है कि ये आपस में भी अटैच होते हैं, ठीक है, ये दरमियान में एक वाटर मॉलिक्यूल है उसके नीचे सेकंड है उसके नीचे थर्ड है, तो ये आपके पास फर्स्ट है ये आपके पास सेकंड है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में देखें तो क्या है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या करते हैं एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अगर ये मैं पूरा कॉलम बनाऊं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, अगर वो रिलीज हो रहा है तो वो यहाँ तक कंटिन्यूस है, कहाँ तक, ये इधर इसमें आ जाता है जाइलम में, और जाइलम यहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू है आपके रूट हेयर पर,
ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे ये वाटर अपवर्ड पुल अपवर्ड मूव करता है तो नीचे से क्या करता है, एक पुल, एक जो है पुलिंग वाली या सक्शन क्या करता है, क्रिएट करता है। और वो सक्शन क्या करता है, वो डेवलप करता है रूट एयर को, मजबूर करता है कि वो क्या करे, और वाटर को क्या करे, अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। देन क्या होता है, जब यहाँ से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा वेपर की फॉर्म में, तो ये पीछे वाले क्या करेंगे, इसके साथ पुल अप हो जाएंगे। तो जब ये पुल अप होंगे तो क्या करेंगे, इस पूरे वाटर चैनल को अपनी तरफ खींचेंगे, और वाटर चैनल जब खींचेगा तो क्या होगा कि ये वाला चैनल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और जो ट्रांसपायरेशन है वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। और ये जो ट्रांसपायरेशन पुल है ये इतना स्ट्रांग होता है कि आपके पास कई हंड्रेड फीट जो टॉल ट्रीज है उनकी सरफेस टॉप के ऊपर भी जो लीव्स होते हैं वो भी क्या कर लेते हैं, ट्रांसपायरेशन कर लेते हैं। और ये वाली जो थ्योरी है वेरी एक्सेप्टेबल है फॉर दिस रीजन। अच्छा, अगर आप हम देखें कि इसके ऊपर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस ट्रांसपायरेशन या जो ट्रांसपायरेशन है वो इनको इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं और कुछ आपके पास इंटरनल फैक्टर आ जाते हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें, इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो उसमें जो अगर हम पहला फैक्टर देखें, हम देखते हैं, लेट्स सपोज टेम्परेचर को देख लेते हैं। टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल जो अभी रूम टेम्परेचर है डेट इज 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पर नॉर्मली क्या हो रही है, ट्रांसपायरेशन हो रही है। ये कब कब की बात कर रहा हूँ, ये डे टाइम की बात कर रहा हूँ। डे टाइम में टेम्परेचर पहले क्या होता है, 25 होता है, देन वो क्या करता है, वो इंक्रीज हो जाता है 30 तक हो जाता है। तो जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आउटसाइड का एनवायरनमेंट क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है ना, लीव के आउटसाइड में क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो गया, तो लीव को कूलिंग का कूलिंग करनी है, अपने आप को कूल रखना है, तो वो क्या करेगी, अपनी सरफेस से क्या करेगी कि इधर से वाटर को वेपोरेट करेगी। देन क्या होता है कि अगेन टेम्परेचर होगा 35 तक हो गया, तो वो गेन क्या करेगी, ट्रांसफॉरेशन के मूल को डबल कर देगी। लेकिन जब 35 से अबव जाएगा टेम्परेचर, तो देन ये क्या करेगी, ट्रांसफॉरेशन को स्टॉप कर देगी 40 या 45 तक, क्योंकि अब क्या होगा कि अगर इस प्लांट ने क्या किया, ज्यादा वाटर को रिलीज कर दिया, तो इसका अपना चांस है कि ये खुद क्या ना हो जाए, इसके अंदर वाटर की डेफिशिएंसी ना हो जाए, और ये इतना टेम्परेचर डूबी है ना कर सके कि ये अपने सर्वाइवल के भी काबिल ना रहे। तो देन क्या करता है, देन इस टेम्परेचर में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाती है। अगर अगर देखें हम कि जब टेम्परेचर क्या हो, लो, वेरी लो, जैसे हम बात करें ये स्नो फॉल हो रही है, जब स्नो फॉल होती है तो क्या होता है कि ये जो नीचे वाला वाटर है अंडरग्राउंड वाटर, ये क्या हो जाता है, विस्कस हो जाता है। जब वाटर विस्कस होगा तो वो क्या करेगा, एक तो वो इन रूट हेयर्स के अंदर नहीं आएगा, अगर वो अंदर आ भी गया तो वो इतना थिक होगा कि वो इन वेसल के अंदर क्या करेगा, वो मतलब फ्रीज तो नहीं होगा लेकिन वो इनके अंदर क्या करेगा, प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि आउटर साइड में क्या है, इन्वायरमेंट ऑलरेडी क्या है, ठंडा है, तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह क्या होता है कि लो टेम्परेचर में, वेरी लो में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का अमल स्टॉप हो गया होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर टेम्परेचर क्या है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उधर क्या है कि जो ह्यूमिडिटी है वो क्या हो कि सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या हो, कम हो, बाहर की तरफ ये आपका सेल का एनवायरनमेंट है, ये आउटर है, तो अगर इधर इन ह्यूमिडिटी क्या होगी, लेस होगी, मतलब यहाँ पर ह्यूमिडिटी एक्चुअली क्या होती है, सेचुरेशन ऑफ वाटर वेपर्स, के हवा के अंदर जो वाटर के वेपर्स हैं उनकी मौजूदगी आप क्या कहते हैं, एक्चुअली ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर बाहर क्या होगा कि बाहर ड्राई एयर चल रही है कि ह्यूमिडिटी कम है, देन क्या करेंगे ये सेल क्या करेगा, इस ह्यूमिडिटी को मतलब इस टेम्परेचर को इसे क्या करेगा, इस ह्यूमिडिटी के लेवल को क्या करेगा, अप करेगा, कि इसके अंदर जो वाटर के वेपर्स हैं वो क्या हो, ज्यादा हो। अगर वाटर
के वेपर ज्यादा होने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन का अमल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर क्या हो कि ह्यूमिडिटी बार के इन्वायरमेंट में क्या है, ज्यादा है, लेट्स सपोज अभी क्या हुई है, अभी बारिश हुई है, तो बारिश हुई है तो हवा में क्या है ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर क्या है वो मैक्सिमम है, तो देन ये जो सेल है वो क्या करेगा कि वो वाटर को बाहर जाने से रोक देगा। देन अगर आप बात करें विंड की, विंड भी क्या करती है एक्चुअली सर, अगर बाहर ह्यूमिडिटी, अगर सर बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो ये वाटर वेपर जो ट्रांसपायरेशन करेगा, प्लांट जो ट्रांसपायरेशन करेगा, क्या लो रेट पे करेगा अगर बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो? अगर ट्रांसपायरेशन करेगा, अगर बाहर के एनवायरमेंट में वाटर के वेपर ज्यादा है तो इस प्लांट को जरूरत ही नहीं है कि वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करे, क्योंकि ये जब ट्रांसपायरेशन होती है तो कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। आप देखेंगे जब गर्मियों में आप बैठते हैं बड़े दरख्त के नीचे तो आपको ठंडक फील होती है, वो ठंडक कैसे फील हो रही होती है कि वहां पर कूलिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है बाय ट्रांसपायरेशन। लेकिन क्या हो बार ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो देन क्या करेगा, ये ट्रांसपायरेशन नहीं करेगा आपका प्लांट, क्योंकि बार तो ऑलरेडी जो सेचुरेशन है क्योंकि वेपर्स की वो तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम है तो इसको जरूरत नहीं है कि वो ट्रांसपायरेशन करे। अच्छा, इसके बाद आपके पास विंड आ जाती है। सर जो आपने बताया था विस्कस वाला, सर उसके अंदर क्या प्लांट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि अगर वो डेथ नहीं होती इसमें क्या होता है कि देन वो प्लांट अपने अंदर ऐसे चेंजेस कर लेता है कि वो ऐसे एंजाइम पैदा कर लेता है जो क्या करता है कि वो वाटर को या जो इसका इंटरनल एनवायरमेंट है, जो इसका प्रोटोप्लाज्म है, वो उसको क्या करता है कि वो उसको फ्रीज नहीं होने देता। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है वो आपका क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अगर प्रोटोप्लाज्म आपका क्या है वो प्रिजर्व है, देन योर सेल इज ऑलरेडी विल नॉट बी गो इनटू डेथ साइड। कि ये ऐसे फिर एंजाइम पैदा करता है, वो क्या करते हैं कि वो एक तो आपकी सेल वॉल को क्या करते ठीक कर देते हैं, और जो आपकी मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड का कंटेंट है उनको क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि लिपिड है ना क्या एक्ट करती है इंसुलेटर, कि ना ही वो हीट को या बाहर की जो सर्दी है उसको अंदर आने देगी और ना ही जो अंदर की गर्मी उसको बाहर जाने देगी। ठीक हो गया। अच्छा, विंड की बात कर रहे थे कि अगर आपके पास विंड क्या हो कि वो ड्राई एयर है। अच्छा, एक्चुअली विंड क्या होती है कोई बताएगा? कौन बताएगा? सर, मूविंग एयर इज विंड, ब्लोइंग विंड, ब्लोइंग एयर। हां, जब आपकी एयर मूविंग फॉर्म में होती है तो आप क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ड्राई एयर होगी ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगी, फिर ड्राई एयर होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कूलिंग इफेक्ट के लिए ट्रांसपिरेशन डबल हो जाएगी। अगर क्या होगा आपके पास ह्यूमिड एयर होगी तो देन क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन का जो फिनोमेना वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अच्छा, डेट आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हम अगर हम कुछ इंटरनल फैक्टर को डिस्कस करें तो उसमें आपके पास आ जाता है, एक को डिस्कस कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आपके प्लांट में इंटरनली क्या होना होता है कि जब ये गॉड सेल या जो आपका स्ट्रोमेटा है ये जब ओपन होता है तो देन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन होती है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर क्या हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है तो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रॉ मटीरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो ये वाले जो आपके स्टोमेटा है इनके अंदर क्या जाएगा, सॉल्ट जाएगा। तो जैसे सॉल्ट इनके अंदर जाएगा, इनके अंदर वाटर भी क्या करेगा, एब्रप्टली चला जाएगा, तो वाटर जाएगा तो ये क्या करेंगे, ओपन हो जाएंगे। ये किस केस में होगा, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो, अगर ये कंसंट्रेशन क्या हो जाए, लो हो जाए, तो देन क्या होता है कि आपके जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो इफेक्ट होती है। लो में क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है
ऑलमोस्ट जब नाइट टाइम को क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो स्टॉप हो जाता है। जब वो स्टॉप होता है तो आपके जो स्टोमेटा है जो आपकी गार्ड सेल्स है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। जब क्लोज होंगे तो उसमें जो क्या है जो वाटर का जो ऑपरेशन वाला इफेक्ट वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि नाइट टाइम क्या होता है कि नाइट टाइम को जो ट्रांसपरेशन है वो नहीं हो रही। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने क्या करना हो कि रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को अगर हमने चेक करना हो तो देन हमारे पास कौन सी मेथड है। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एग्जाम फॉर्म पर हम कलेक्टिवली बैठते हैं, सर वो वाइट क्या था? सर आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि एग्जाम फॉर्म को कलेक्टिवली हम कुछ बोलते हैं, उसको अवॉइड क्या था? किसको किसको क्या को आपने कहा था कि क्या कह रहे हैं सी एलिमेंट्स कहते हैं ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। सर एक और क्वेश्चन देखना, ये पूछ रहे हैं। सर एक और क्वेश्चन, स्टील और क्या पूछना है? सर वो आपने कहा था कि 40 सेल्सियस और 45 सेल्सियस पे ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाती है, तो सर फिर प्लांट अपने आप को कूल डाउन कैसे करेगा अगर तब ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाए? तो वाटर को बाहर नहीं जाने देगा, तो वाटर उसका अपने अंदर ही रहेगा, तो उसका इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो क्या रहेगा, वो इंटरनली क्या रहेगा, इंटरनली वो प्रिजर्व रहेगा कि उसके ऊपर जितना भी देन जो हाई ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा देन फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। 40 डिग्री के बाद फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो देन आपके जो स्टोमेटा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और देन जो वाटर का जो लीकेज था वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर वाटर का लीकेज स्टॉप हो गया तो देन अल्टीमेटली जो इंटरनल जो वाटर की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, प्रिजर्व रहेगी, तो देन उसे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। और सर आपने कहा था कि ट्रांसपायरेशन में ये लेंटिकल्स और स्टोमेटा रोल प्ले करते हैं, सर आपने कहा था सॉरी क्यूटिकल, तो क्यूटिकल जो है वो 5-10% करते हैं, लेकिन सर हमने पढ़ा था क्यूटिकल्स तो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं, तो वो ट्रांसपायरेशन में कैसे रोल प्ले करेंगे? ट्रांसपायरेशन में तो वाटर लॉस होता है ना तरह से, लेकिन क्यूटिकल्स तो प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को। नहीं, ये जो क्यूटिकल की मैंने बात की है ये एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं वाटर जो आपके लीव हैं इनके एंड के ऊपर, इधर इस साइड में यहाँ पर। लेकिन सर ये तो लेयर होती है ना एक तरह की, क्यूटिकल एक लेयर होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी एंडिंग पे क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं जब नाइट टाइम को, एट नाइट टाइम, या फिर अगर आप बात करें जो आपके पास हर्बेशियस प्लांट होते हैं। सर यहाँ पे ना ज़ेरोफाइट वाली आ रही है जो कैक्टस, कैक्टस की थिक क्यूटिकल होती है, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम होती है, यहाँ पे वो एग्जांपल चलती है हेलोफाइट्स और हाइड्रोफाइट ज़ेरोफाइट्स वाली की, उनकी थिन क्यूटिकल और थिक क्यूटिकल, तो इस सेंस में ट्रांसपिरेशन उसमें कम होती है ना, इसमें ये वाली एग्जांपल आती है। मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसपिरेशन पे वाटर लॉस होती है, ट्रांसपिरेशन पे क्यूटिकल कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। मैं बताता हूँ, जब नाइट टाइम होती है ना तो आपकी ये वाली जो ट्रांसपिरेशन होती है ना जो स्टोमेटल है वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि नाइट टाइम को जो रेस्पिरेशन है
वो क्या होती है, वो कंटिन्यू होती है, कभी वो कौन सी एरोबिक हो जाती है या फिर किस में चली जाती है, एनरोबिक में। जब एनरोबिक में जाती है तो देन क्या होता है कि जो वाटर है वो फिर एंड प्रोडक्ट वाटर भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनती है। तो जब वो बनेगा तो रात को फिर क्या होता है कि कुछ जो वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में बन जाता है। देन वो जो एक्सेस अमाउंट वाला है वो इधर से क्यूटी किधर के थ्रू वे के थ्रू निकल जाता है। या फिर आपके पास जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं इनके अंदर जो ट्रांसपायरेशन होती है वो अप टू 90% जो है वो किसके थ्रू होती है, वो क्यूटी किधर वे से होती है, क्योंकि उनके अंदर जो स्टोमेटल वे है वो इतना डिवेलप नहीं होता। तो ये फंक्शन है कि नाइट टाइम को ये इसलिए कहा कि जो क्यूटिक्यूलर है ये नाइट और डे टाइम साइमल्टेनियसली क्या कर रही होती है, अक्कर हो रही होती है। लेकिन इन हर्बेशियस प्लांट, ये जो आपके पास छोटे छोटे प्लांट है, इनके अंदर क्या होता है कि स्टोमेटल वे ज्यादा डेवलप नहीं होता, तो उनके अंदर जो अप टू 90% जो ट्रांसपायरेशन है वो इसके थ्रू हो रही होती है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फोर डिफरेंट मेथड है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कैलकुलेट करने के। एक आपके पास है फोटोमीटर मेथड, सेकंड आपके पास है कोबाल्ट क्लोराइड मेथड, और थर्ड वन है आपके पास फोर लीव मेथड, और फोर्थ वन है आपके पास फोर्थ वन कौन सा है, कोबाल्ट, अच्छा ये है हाँ ह्यूमिडिटी मेथड। वन बाय वन हम देख लेते हैं। जो आप फोटोमीटर मेथड है एक्चुअली इट इज डन बाय आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर ग्रेजुएशन होती है। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, अच्छा ये ना आपके पास ऑटोमीटर है। एक्चुअली आपने इसमें क्या किया होता है कि इधर आपने वाटर लेवल रखा होता है यहाँ तक। सर कैमरा थोड़ा एडजस्ट करें, नजर नहीं आ रहा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपने ये वाटर लेवल रखा होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आप फोटोमीटर कहते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली आपने इसके एक एंड पे एक स्टैम्प को काट के उसको आपने एक इस होल के अंदर उसको फिट किया होता है, और यहाँ पर आपने कॉर्क लगा के इसको एयर टाइट किया होता है, और यहाँ पर भी आपने इसको एयर टाइट किया हुआ है, और इसका ये जो पूरा कॉलम है इसको आपने वाटर से भी लग किया हुआ है। ये सारा सेटअप लगा के देन आप इसको क्या कर देते हैं, आप इसको सनलाइट में रख देते हैं। जब आप सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर प्लांट ये जो लीव्स हैं इनके ऊपर क्या है, स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा ने क्या करना है, वाटर को वेपोरेट करेंगे, जो
जैसे यहाँ से कोई वाटर वेपोरेट होगा तो क्या होगा कि यहाँ से जो एयर बबल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। वो जैसे जैसे मूव करेंगे आप क्या करेंगे, उनका जो डिस्टेंस है और टाइम, टाइम प्लस डिस्टेंस, वो आप साथ साथ क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और आप इस पर इस फोटोमीटर को मल्टीपर्पज के लिए चेक कर सकते हैं। अगर आपने इन्वायरमेंटल फैक्टर चेक करनी हो कि लेट्स सपोज आप कहते हैं कि अभी आपने सेट किया टेम्परेचर था 30 डिग्री, देन आधे घंटे बाद टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आपने क्या देखना हो कि इसके ऊपर जो ह्यूमिडिटी का असर है, ह्यूमिडिटी, तो आप क्या करेंगे, आप इसको पहले रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर ह्यूमिडिटी लेस होती है, लेकिन जब आप क्या करेंगे इसको आउटर इन्वायरमेंट पे ले जाएंगे तो उधर अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, लेस होगी। देन भी क्या होगा, आप इसमें से क्या चेक कर सकेंगे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपके पास क्वांटिटेटिवली आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड मेथड जो है आपके पास, दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड मेथड। कोबाल्ट क्लोराइड मेथड में एक्चुअली आप क्या करते हैं, ये जो आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड है, ये जब इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वैसे इसका कलर होता है ब्लू, लेकिन जब ये वाटर के साथ बाइंड करता है उसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर पिंक हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन बना लिया आपने, देन आपने इसके अंदर क्या करना है, फिल्टर पेपर को डिप करना है, ये आपने फिल्टर पेपर को डिप कर दिया, देन आपने इस फिल्टर पेपर को क्या करना है, ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद आपने क्या करना है, इस फिल्टर पेपर के आपने पीस करने हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा तो किस कलर में होगा, ब्लू कलर में होगा। ठीक है, तो देन आपने क्या करना है कि इसकी जब आपने पीसेस कर लेने हैं तो उन पीसेस को आपने क्या करना है, आपके पास एक पॉटेड प्लांट होगा, ये आपके पास एक पॉटेड प्लांट है, इसके ऊपर लीव्स हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने इसकी अपर एंड लोअर साइड क्या कर देना है, ये वाला जो फिल्टर पेपर है वो आपने फिक्स कर देना है, ये आपने अपर साइड पे लगा दी और ये आपने लोअर साइड पे लगा दी, और देन इसके ऊपर आपने क्या रख देनी है, स्लाइड, और इसको आपने टाइट कर देना है। आफ्टर सम टाइम क्या देखेंगे कि आपके पास ये जो लीव है, अगर ये डाइकॉट का प्लांट का हुआ तो इसकी जो लोअर साइड पे जो ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, पिंक में कन्वर्ट हो चुकी होगी। पिंक में कैसे कन्वर्ट होगी, क्योंकि उसके साथ जब भी वाटर वेपर इन कॉन्टेक्ट आते हैं तो क्या होता है, उसका कलर ब्लू से पिंक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जो लोअर साइड है उसका वो जल्दी पिंक हो जाएगा, जो अपर साइड है वो पहले किस कन्वर्ट होगी, पहले पर्पल होगी, और देन वो एंड पे वेरी लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगी, पिंक होगी। इससे आपके पास ये भी क्या आएगा कि आपके पास जो स्टोमेटा होते हैं वो ऑन द लोअर साइड क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और जो ट्रांसपिरेशन का फिनोमेना है वो लीव की लोअर साइड में क्या हो रहा होता है, मैक्सिमम हो रहा है। और ये वाला जो आपका प्रैक्टिकल है यही आप हमने परफॉर्म करना है, अभी इधर आपके सामने परफॉर्म भी किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास फोर लीव मेथड है, इसमें आप क्या करते हैं कि आप कोई एंटी ट्रांसपिरेशन एजेंट ऐड करते हैं, जैसे आपके पास वैक्स हो जाए या आपके पास वैसलीन हो जाए। ठीक है, वो आप अप्लाई करेंगे, वो कैसे करेंगे कि आपके पास फोर लीव्स हैं, आपके पास लीव नंबर वन है, लीव नंबर टू है, ये आपके पास लीव नंबर थ्री है, ये आपके पास लीव नंबर फोर है। तो आपने क्या करना है कि आपके पास वैसलीन होती है या आपके पास वैक्स है, तो आपने क्या करना है,
ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये ट्रांसपायरेशन को स्टॉप करते हैं वैसलीन या वैक्सीन। कैसे कि जब आपने इनको इनके सरफेस पे लगा देना है तो इन्होंने जो पूरी लेयर है या पूरी जो ल्यूमन है इसका आपके लीव का, उसको इन्होंने क्या कर देना है, इंसुलेट कर देना है। जब वो इंसुलेट हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ जाए उसमें से वाटर नहीं इवेपोरेट नहीं होना। तो आप क्या करेंगे कि आपने ये आपके पास लीव नंबर फोर है, ये थ्री, ये टू और ये आपके पास वन। ये जो आपके पास लीव नंबर वन है आपने इसकी बोथ साइड पे अपर एंड लोअर दोनों साइडों पे आपने क्या कर दिया, वैक्स लगा दी। ये जो आपके पास लीव नंबर टू है इसकी जैसे आपने अपर साइड पे वैक्स लगा दी। और ये जो आपके पास थ्री परसेंट से 3 ग्राम 20 ml। अच्छा, ये जो आपके पास लीव नंबर थ्री है इसकी जस्ट आपने लोअर साइड पे क्या करना है, वैक्स लगानी है। और ये जो आपके पास लीव नंबर फोर है इसको आपने एज सच क्या करना है, छोड़ देना है। और देन आपने क्या करना है, आपने इसको किसी स्पॉट के साथ बाइंड करके तो आपने इसको सनलाइट में क्या कर देना है, हैंग कर देना है। जब सनलाइट इसको हैंग करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो आपके पास लीव नंबर फोर है इसकी ना अपर सरफेस पे ना लोअर सरफेस पे आपने कोई एंटी ट्रांसपायरेशन एजेंट ऐड किया है तो ये क्या करेगा, ये विल्ट हो जाएगा। विल्ट कैसे होगा कि जब जब तक के प्लांट के लीव के अंदर क्या रहता है, वाटर रहता है, वो क्या रहता है, वो टर्बिड रहता है, वो ऐसे स्टिफ रहता है। लेकिन जब उसके अंदर से वाटर निकल जाए तो क्या हो जाता है, वो विल्ट हो जाता है, मतलब सुखड़ जाता है। तो ऐसे ही जो आपका लीव नंबर फोर है वो क्या हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा। जो आपके पास लीव नंबर थ्री है जिसकी आपने लोअर साइड पे क्या किया वैक्सिंग की है तो उसके अंदर वेरी लिटिल बिट चेंज आएगा। और ये जो आपका लीव नंबर टू है ये भी क्या हो जाएगा, ये हाफ विल्ट हो जाएगा। और ये जो आपका लीव नंबर वन है ये क्या रहेगा, ये एज सच रहेगा, जैसे ये इनिशियल कंडीशन में था वैसे ही लास्ट की कंडीशन में ऐसे ही रहेगा। इसको आपने टाइम देना है ऑलमोस्ट 1 आवर। और ये आपकी असाइनमेंट दी गई है, ये आपने घर पे परफॉर्म करना है और देन मुझे इसकी जो आपके पास प्रैक्टिकल का रिजल्ट आएगा वो आपने मुझे शेयर भी करना है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपके पास ह्यूमिडिटी मेथड। इसमें क्या होता है, सर कौन सा मेथड करना है फिर से बता दे। एक्सक्यूज मी सर, हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। जी क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है कैलकुलस की। बेटा अभी तो आपका वो रहता है, क्विज भी रहता है। सर वो क्विज कैसे करेंगे? सर मैडम जो टाइमिंग चेंज हो गई है आपको मेनली घंटे की क्लास है सर। भाई मैंने आपको मेल दिखाई है। सर हमें तो मेल आई है ना जिसने आपकी तरफ से। सर मैंने आपको सर आपकी क्लास छोड़ के वो वाला क्विज वो क्लास लेंगे फिर वो क्लास आप छोड़ के आपका क्विज खराब हो जाएंगे। पास में अगर आपने क्विज देना है या अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप ले लें, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाए। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अपने एंड पे क्लियर हूँ, आप भी अपने एंड पे क्लियर हैं। तो दरम्यान में जो गलती आ रहे हैं वो डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं तो आप फिर उनको पकड़े, ठीक है? हमारी बैच में कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ह्यूमिडिटी मेथड में क्या होता है कि आपके पास एक वैक्यूम होता है। ये कौन आंसर है? हाँ जी, ये कौन था जल्दी बताइए।
ये किसने क्या कलर लगाया? आप लोग इज्जत में रहें तो वो अच्छी बात है, ठीक है, वरना मुझे वो ना मजबूर ना करें कि आपके साथ कोई और रवैया अपनाना पड़े। अगर मैं आपके साथ सॉफ्ट हूँ तो आप भी आई होप सो कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अगर ये बंदा सॉफ्ट है तो उसका फायदा नहीं उठाना, अगर गुस्से में आ गए तो फिर आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं है रिमेम्बर, और सबका नुकसान होगा, किसी एक बंदे का नहीं होगा। अच्छा, देन आपके पास आ जाता है ह्यूमिडिटी मेथड। इसमें क्या करते हैं कि आपके पास लीव्स है, आपने चैम्बर के अंदर क्या रखा हुआ है, लीव रखा हुआ है, और इधर आपने क्या किया हुआ है, आपके पास टू वेज हैं। तो आप क्या करते हैं, आप इधर से क्या करते हैं, जो आपकी एयर है इसको आप एंटर करते हैं। एयर एयर का आपने पहले क्या चेक किया हुआ है, इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपके पास नोटेड होता है, और देन जब ये एयर क्या करेगी, इस लीफ से टकरा के निकलेगी अगेन, तो इसका आपने अगेन क्या चेक कर लेना है, इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपने अगेन चेक कर लेना है, ठीक है। तो जब आप चेक करेंगे, अगर इसके अंदर कोई ट्रांसपायरेशन हो रही हुई तो लेट सपोज क्या है कि जब एंटर हुई तो इसके अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल था, हम कहते हैं कि इसके अंदर 45% था, लेकिन ये जो अंदर लीव पड़ा हुआ था वो फ्रेश था, तो जब इसके ऊपर से गुजरी है तो क्या हुआ कि इसके अंदर क्या हो गई, स्टार्ट थी ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन से क्या होता है कि आपके पास जो वाटर है, जो वेपर्स हैं, वो क्या हो रहे होते हैं, वेपोरेट हो रहे होते हैं। तो क्या हुआ कि जब वाटर के वेपर वेपोरेट हुए तो उन्होंने क्या किया कि इस एयर को क्या कर दिया, और मॉइस्चर कर दिया, तो इसका मॉइस्चर कंटेंट कितना हो गया, 47 हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी मेथड से आप ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फोर लीव्स मेथड है ये आप लोगों ने घर पर परफॉर्म करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, और ये आपने आज ही मुझे सेंड भी करना है। आपने क्या करना है, आपने फोर लीव्स लेने हैं, वैसलीन द्वारा के घर में होगी आई थिंक, तो आपने फोर लीव्स लेने हैं, और लीव वन लीव टू थ्री फोर, तो आपने क्या करना है, लीव वन की बोथ साइड पे आपने वैसलीन अप्लाई करनी है, लीव टू की अपर साइड पे और लीव थ्री की लोअर साइड पे, और जो लीव फोर है इसको आपने नेकेड रखना है। तो देन आपने इनको सनलाइट के अंदर हैंग करना है किसी स्पॉट के साथ बाइंड करके। तो आपने 1 आवर के बाद इनके अंदर क्या चेक करना है कि इनके अंदर कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंज आया है, और वो फिजियोलॉजिकल चेंज आपने मुझसे शेयर करना है बाय मेल। अच्छा, देन आपके पास आ जाता है कोबाल्ट क्लोराइड मेथड, जो अभी आपके सामने हम परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल वुड प्रिपेयर कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन 3% आप कैसे बनाएंगे, अगर आपने 30 ml के अंदर बनाना है तो आप लोग 3 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड और उसको आप डिसॉल्व करेंगे इन 30 ml ऑफ वाटर, दैट वुड बी योर 3% कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन। और देन आपने क्या करना है कि इस सॉल्यूशन के अंदर आपने फिल्टर पेपर को आपने उसकी जो आपके पास स्ट्रिप है उसको आपने डिप किया, और डिप करने के बाद आपने इसको ड्राई किया, जब ड्राई हो जाएगी तो इसका कलर आपके पास क्या होगा, ब्लू होगा। देन आपने इसके स्मॉल पीसेस कर देने हैं, और उन पीसेस को आपने क्या करना है कि आपके पास जो पॉटेड प्लांट है उसके एक लीव की अपर एंड लोअर दोनों साइड पे आपने इसको फिक्स कर देना है, और देन आपको क्या करना है, वेट करना है आफ्टर 1 आवर। आपके पास क्या होगा कि अगर वो प्लांट कौन सा है, डाइकॉट है, तो उसकी जो लोअर साइड है उसकी वो क्या हो जाएगी, पिंक हो जाएगी, जो लोअर साइड पे आपके पास क्या है, स्ट्रिप है, और जो अपर साइड पे है वो क्या करेगी, वो लॉन्गर टाइम स्पैन लेगी। क्यों लॉन्गर लेगी, क्योंकि अपर साइड पे क्या होता है, स्टोमेटा वाली लेस होते हैं, तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर जो ट्रांसपायरेशन है अपर सरफेस पे वो क्या होगी, लेस होगी, अगर लेस है तो उसमें ज्यादा टाइम के बाद क्या आएगा, चेंज आएगा। ये आपके पास कौन सा मेथड है, कोबाल्ट क्लोराइड मेथड, और दिस वन इज योर फोटोमीटर मेथड। इसमें आपके पास ऑपरेटर्स होता है, आप ऑपरेटर सेट करते हैं और इससे आप डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनको आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें अगर आपकी कोई क्यूरी है तो मुझे बताएं।
नहीं है सर, फॉर लीव वाला दोबारा बता दे, फॉर लीव मेथड। या पास फॉर लीव होगे सर ना, नेट इशू की वजह से सही समझ नहीं आया, आप दोबारा बता दे फॉर लीव मेथड। आपका फॉर लीव लोगे तो फॉर लीव तो उनमें आपने क्या करना है कि आपने जो वन लीव है उसको आपने जस्ट नेकेड रखना है, और जो आपके पास लीव नंबर वन है उसकी आपने बोथ साइड पे क्या अप्लाई करनी है, वैसलीन लीव नंबर टू की साइड अपर साइड पे और लीव नंबर थ्री की लोअर साइड पे आपने वैसलीन अप्लाई करनी है, और लीव नंबर फोर जो है इसको आपने ऐसा नेकेड रखना है, और देन आपने इसको क्या करना है, हैंग कर देना है बाय बाइंडिंग विद थ्रेड इन सनलाइट, और आफ्टर टू आवर आप इनके अंदर जो चेंजेस आने हैं वो आप चेक करेंगे। जो आपके पास लीव नंबर फोर होगा जिसके ऊपर आपने कोई एंटी ट्रांसपरेशन एजेंट नहीं ऐड किया, वो क्या करेगा, वो विल्ट हो चुका होगा, उसके अंदर जितना भी वाटर है वो सारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपायर हो जाएगा। और देन जो आपके पास लीव नंबर थ्री है जिसकी आपने लोअर साइड में क्या किया, वैसलीन अप्लाई की है, तो उसके अंदर लेस क्या होगी, ट्रांसपायरेशन होगी, तो उसके अंदर लिटिल बिट क्या आएगा, चेंज आएगा। और जो आपके पास लीव नंबर टू है इसके अंदर क्या होगा कि अगर ये सनलाइट में आया तो इसकी लोअर साइड पे क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रही है, तो इसका जो लीव है वो हाफ लीव हो जाएगा। जो लीव नंबर वन है वो क्या रहेगा, वो एज सच इंटैक्ट रहेगा जैसे वो फ्रेश फॉर्म। ठीक है, अभी आपका सर आज तो धूप नहीं है सर, बादल है, तो हम एक्सपेरिमेंट कल तक करते हैं, अगर कल धूप तो निकल आए, आज तो सर बारिश होना मौसम है, कैसे करें सर, बारिश हो रही है आज तो, कल कब तक आप सेंड करेंगे इसको, ऐसे धूप में हमने कितनी देर तक रखना है बताओ, प्लीज आपने 1 आवर देना है। चलिए सर फिर कल भेज देंगे, टाइम बताए ना सर, कल 1 बजे तक कर देते हैं। हाँ कल आप लोग 1 बजे तक उसे शेयर कर दें। अभी ये आपका हमने सॉल्यूशन बना लिया है, और ये आपके सामने अभी हम जो आपका जो लीव है उसकी सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो आपके स्ट्रिप है वो आप अप्लाई करेंगे अभी, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपसे हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे अटेंडेंस दे रहे हैं, और फिर अगर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस तो वो इधर रहे, वरना आपको प्रॉब्लम भी है 12:30 बजे, या फिर उससे पहले आप अपनी क्लास ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। कल कितने बजे जमा कराना है? क्या कह रही है?
सकते हैं आप लोग। आई थिंक ही इज नॉट हियर। अच्छा अरिफा कहाँ हुआ? प्रेजेंट सर। आयका कहाँ हुआ? आयका कहाँ हुआ? सर हसाम प्रेजेंट है। सर आगा हसाम की प्रेजेंट लगा दें। अच्छा ये कौन आयका फॉलो करेगा? सर इसकी दूसरी क्लास है। चल गई क्या? असनैन प्रेजेंट। और उजैफा प्रेजेंट। उजैफा है क्या? प्रेजेंट सर। लिखेगा प्रेजेंट। और ये लाइबा प्रेजेंट। लाइबा है? यस सर प्रेजेंट। अच्छा सर वो अभी दूसरी क्लास लेने गया आप जाके गए। उसामा भी उसके साथ ही गया। उसामा और हमजा दोनों। और मूसा साइनर? यस सर। अच्छा करीब प्रेजेंट। यस सर। प्रेजेंट सर। रहमा है। यस सर। अच्छा ये सर प्रेजेंट में क्लास में। अच्छा सब आए सब आए सब ठीक है। सदा सारे प्रेजेंट सर। शिफा रेंज प्रेजेंट। सईदा इतना सारे प्रेजेंट सर। तैयबा साहब सर उसकी भी दूसरी क्लास हो रही है वो लेने गई है। प्रेजेंट सर। वकार अली। यस सर। वासिफ नवाज। यस सर। ओके ये ऐसा बच्चा हो जिसकी फ्रेंड्स जो आया हो उसकी क्लास की। सर आगा हसाम की लगा दी आपने प्रेजेंट? हाँ जी लगा दी है। अच्छा मैम को क्या सो निकल स्लाइड और सफा राइट किसको को बाहर निकलना है आजकल तो आज कल कॉलेज में प्रिंटिंग के उसमें ठीक किया रिजल्ट होता है उसमें वो दो ठीक है कितना वो पीस करना सॉरी
जल्दी जल्दी दे आओ यार, देखिए किसी का ना चल नहीं चाहिए निकाल दो। हो गया, थोड़ा सा रहता है और चल रही है, ब्लू आएगा सर। वो ब्लू है सर, हां ब्लू है, ऑफ निकाल दो, चल दे आओ दे आओ दे आओ, जो है वो धुआं स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या। अच्छा ये ना अभी हमारे पास ये हमने कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया था, उसमें हमने ये फिल्टर पेपर को डिप किया और देन अभी इस पर ड्राई किया तो ये ना ब्लू कलर का हो गया। लेकिन जब भी ये क्या होगा इसको कि जब भी ये इन वाटर कॉन्टैक्ट आएगा, वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। तो अभी ये टू पीसेस की हैं हमने, तो इन पीसेस को अब हम क्या करेंगे कि हम इन पीसेस को बाय द हेल्प ऑफ दीज कवर स्लिप्स हम पॉटेड प्लांट के लीव्स के ऊपर हम इनको लगा देंगे। अच्छा वैसे ये लास्ट टाइम हमने ये प्रैक्टिकल किया था, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो ये लास्ट टाइम हमने लगाई थी, तो अभी आपके सामने भी लगा देते हैं। दो बारी कट छोटी छोटी, तो साफ जगह साफ कर लगा ये अभी हम लीव है और इसके ऊपर ही हम लगा रहे हैं कोबाल्ट क्लोराइड की स्ट्रिप। ये हमने अपर सरफेस पे लगा दिया है और अब हम लोअर साइड पे लगा रहे हैं। ये अब हम इसकी लोअर साइड पे लगा रहे हैं, इफ यू पीपल कैन सी इट। ठीक
ये अभी हमने सेटअप लगा दिया और आवाज आ रही नहीं है। ठीक है, तो अभी आई थिंक धूप नहीं है, तो जैसे ही धूप आएगी तो इसके ऊपर हमारा जो बात ये स्ट्रिप्ट है ये सिंक हो जाएगी। इससे होगा क्या? एक ब्लू, एक ब्लू स्ट्रिप, ये पिंक हो जाएगी। ये हाँ जैसे ये हुई है नहीं, that's all from my side. If you have any query, you are welcome. Otherwise, your quiz ends. आपका quiz भी start होने वाला है। ठीक है जी, ये आपसे मैं recording share कर दूँगा। तो अगर आपकी कोई query है तो पूछते हैं, otherwise आप जा सकते हैं और अपना क्विज अटेम्प्ट करें। बस की रिकॉर्डिंग आप शेयर कर दें। हाँ श्योर श्योर मैं कर दूंगा, LMS पे अपलोड हो जाएगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।